ये हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स 2020 की ड्राइंग बनाना चाहते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसकी ड्राइंगें बनाएंगे हम और सारे व्यू निकालेंगे, इसका सेक्शन व्यू निकालेंगे, डिटेल व्यू निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इस कंपोनेंट की ड्राइंग कैसे बननी है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाया था और हमने क्या किया था, एक कंपोनेंट को अलग से लेके आए थे, है ना, ये जो कंपोनेंट है, और इसको हमने कन्वर्ट करके ऑटोकैड में लेके गए थे और उसकी पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। आज हमारे को मेन बेसिकली क्या करना है, आज हमारे को ये सारे कंपोनेंट जो हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, इन सब पार्ट्स की ड्राइंग चाहिए और वो भी सारी एक ही सिंगल फाइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर हम अलग अलग पार्ट की अलग अलग ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत सारी फाइलें हो जाएंगी, मतलब इसकी अलग ड्राफ्टिंग हो जाएगी, इसकी अलग सबकी अलग अलग ड्राफ्टिंग हो जाएगी, तो वो हमारे को बाद में दिक्कत करेगी। तो हमने क्या करना है, हमने एक ही फाइल के अंदर इस सारे कंपोनेंट्स को लेके आना है और उसकी ड्राइंगें तैयार करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मेन ड्राइंग बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, असेंबली दिखाएंगे कि ये कंपोनेंट फिट कहाँ कहाँ होना है, ठीक है। इस फाइल को हमने सेव कर लिया, सेव ऑल करने के बाद ये ड्राइंग शीट हमारी खुल गई है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था पेज वो वाला लेना चाहिए जो जिसमें हमारा 1:1 का स्केल है, तो यहाँ से 1:1 कर देते हैं और किसी भी कंपोनेंट को, अब यहाँ पे फीचर है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि यहाँ से हम लेके आ सकते हैं असेंबली, ये वाला व्यू भी ले आके ला सकते हैं और ये वाला व्यू भी ला सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हिडन वायरफ्रेम, ये हम क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि कौन सा कंपोनेंट कहाँ फिट होना है ये समझाया जा सके, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कंपोनेंट का आइसोमेट्रिक व्यू दिखाऊं, ये देखो, ये जो मेरा कंपोनेंट है, अब ये यहाँ से कितनी नीचे लगा हुआ है, सेंटर से कितनी दूर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लेट है ये ऊपर से नीचे कितनी डिस्टेंस पे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे दिखाएंगे, इस ड्राइंग शीट में, ठीक है। डिमेंशन कैसे देनी है वो सारा कुछ पता लग जाएगा, डिटेल व्यू किस चीज़ का देना चाहिए, सेक्शन व्यू किस तरीके का देना चाहिए, डिमेंशन कैसे देनी चाहिए वो सारा कुछ पता है। स्मार्ट डिमेंशन लेके जो जो डिमेंशन हमारे को चाहिए, जैसे मेरे को एक तो ये डिमेंशन चाहिए, यहाँ से ये वाली लाइन, ठीक है, इधर रखना है या इधर रखना है हमारी मर्जी है। एरो जो है, ठीक है, हम छोटी छोटी डिटेलिंग की तरफ ध्यान देंगे कि कैसे करनी है, एरो को अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो एरो पे क्लिक कर दो, एक मेरे को ये चाहिए, एक मेरे को ये वाली प्लेट का चाहिए डिस्टेंस, कि ये ऊपर से नीचे तक कितनी है, ठीक है, प्लेट की थिकनेस से ये होगी हमारे को, ठीक है। हमने ये सोचना है कि हमारी को क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है, क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये शीट, ये जो कट है ये आगे पीछे हो सकता है, तो हम यहाँ पे ये दे देते हैं कि ये बाहर कितना निकला होगा, ठीक है ना, उससे पता लग जाएगा कि कंपोनेंट में वो कहाँ पे रखना है मेरे को, ये वाली भी दे देते हैं और आगे से भी दे देते हैं। ये जो चीज मैं कर रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है सब जगह ये लागू हो, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे डिमेंशनिंग करनी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। हम दो दिन अगर हम ऐसे सॉलिड वर्क्स में बना दें ड्राइंग तो ये ओवर डिफाइंड हो जाएगी, भाई मैंने यहाँ से भी डिमेंशन दे दी, यहाँ से भी डिमेंशन दे दी, बट जब हमने असली में कंपोनेंट बनाना है तो हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि क्वालिटी चेक करनी है, अगर दोनों तरफ से हम डिमेंशन दे देंगे तो वो लेवल चेक करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के डिमेंशन देनी है, भाई हमारे को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, जैसे अभी मुझे सर्कल टू सर्कल मापना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, तो मैं यहाँ से ये वाला सर्कल और यहाँ से दूसरे व्यू में, लिया नहीं उसने,
वैसे लिया जा सकता है अगर चाहिए हो तो। इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देते हैं, स्मार्ट डायमेंशन लेगी। ठीक हो गया ना, सेंटर लाइन लगा लेते हैं, सेंटर लाइन आ गई। तो अब मैं ये सेंटर लाइन से इस सर्कल की डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये डायमेंशन काट रही है तो हम ये वाली डायमेंशन नहीं देंगे। इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबा। अब जैसे देखने में बहुत छोटी सी डायमेंशन लग रही है तो डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे, फॉन्ट चेंज कर। ठीक है, स्केल डायमेंशन, अगर मेरे को प्रिसीजन चाहिए पॉइंट के बाद कितनी जीरो तक वैल्यू देखनी है वो देख सकते हैं। अगर ड्यूल डायमेंशन इंचों में भी देखनी है और मिलीमीटर में भी देखनी है तो उसकी पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए वो सारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, जीरो सप्रेसिंग, पॉइंट के बाद जीरो देखना है कि नहीं देखना, लीडिंग में देखना है कि नहीं देखना, ट्रेलिंग में देखना है कि नहीं देखना। लीडिंग मतलब आगे, जैसे हमने लिखा 0.05 और ट्रेलिंग हो गया 5.00। ठीक है, तो आगे वाली जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए, पीछे वाली जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ से हमने सेटिंग क्या की है। शो यूनिट ऑफ डायमेंशन, हर डायमेंशन के साथ मिलीमीटर है या इंच है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। कई बार हम ड्राइंग बनाते हुए हम ऐसे लिख देते हैं 1 इंच और सारी ड्राइंग हम मिलीमीटर में नहीं, वहाँ पे हमने 1 इंच लिख दिया तो ये उसको इंचों में दिखाएगा ऑटोमेटिकली। ओके कर देते हैं। ठीक है, साथ में इसके आइसोमेट्रिक व्यू भी रख देते हैं, जो व्यू भी चाहिए जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब ये इतना बड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, शेडेड फॉर्म में भी कर देते हैं और स्केल जो है इसका 1:2 कर देते हैं। ठीक है, एक देखो ध्यान से, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, तो ये डायमेंशन भी हम दे देते हैं, ये कितना बाहर निकला होगा इस सर्कल का और लाइन का। अब देखो क्या हुआ, उसने सर्कल के सेंटर में से डायमेंशन ले ली, तो हम क्या करेंगे, लैडर में जाएंगे और मिनिमम कर देंगे, ये मिनिमम वाली डायमेंशन आ गई। ठीक है, ठीक हो गया, तो सेम चीज यहाँ पे भी डायमेंशन दे देते हैं 10, इसको 10 कर दो, यानी दोनों साइड 10 है। ठीक है, और इनकी हाइट देख लो, देख लेनी है ध्यान से, बराबर होनी चाहिए, ये ना हो के ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखने में भी हमारी ड्राइंग जो है सही लगनी चाहिए। ठीक है, एरो को अंदर करना अंदर कर सकते हैं, बाहर करना बाहर। ठीक है, अंडी कर देता हूँ, उसके बाद हमारे को क्या करना है, हम क्या करेंगे, नई शीट खोल दे। अब नई शीट खोल के मुझे कंपोनेंट लेके आना कोई और, तो वो मैं ला नहीं सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो वही वाले व्यू आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस अपनी असेंबली में जाएंगे और जिस कंपोनेंट की आपको ड्राइंग चाहिए उसको ओपन कर लेंगे। सिर्फ ओपन करना, कोई ड्राइंग नहीं बनानी, जस्ट ओपन कर लिया। ठीक है, और वापस आ जाएंगे अपनी शीट के ऊपर ओपन करके। फायदा क्या होगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेंबली लिखा आ रहा है,
तो जो जो कंपोनेंट हमने खोले होंगे वो यहाँ पे आने लग जाए। तो यहाँ पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे उस कंपोनेंट के व्यू आने लगे। तो अब मेरे पास शीट है ही है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेते हैं, 1:1 है, तो साइड व्यू भी रख लेते हैं और एक आइसोमेट्रिक व्यू भी रख लेते हैं। ज़्यादा व्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए लगा रहे हैं। और इसको डायमेंशन भी दे देते हैं, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपको एक प्रॉपर ड्राइंग बना के दिखाई जाए कि हमारे को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, किस चीज़ का सेक्शन व्यू करने की ज़रूरत है। अब जैसे इसका सेक्शन व्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे को लेंथ विड्थ भी मिल गई, थिकनेस भी मिल गई। इसका शेड चेंज कर लो, जरूर करता जब भी, ठीक है। नहीं अब हमारे को दूसरा कंपोनेंट चाहिए तो वापस असेंबली में आओ और दूसरा कंपोनेंट खोल लो, ठीक है। तो ये स्टेप 1 था। और ध्यान रखना है ये भी स्टेप 1 है, यानी हमारा कोई और खुला ही नहीं, यानी वो दोनों तरफ सेम शीट लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे टेक्स्ट कमांड लेके। अब देखो टेक्स्ट में भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो विंडो है पिंक कलर की विंडो दिख रही है, अगर मैं टेक्स्ट कमांड लेके ये पिंक विंडो पे क्लिक कर देता हूँ या ऐसी हवा में लिख देता हूँ, मैं पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 सेम 8 mm शीट्स, ठीक है। तो अब जब मैं, अब हुआ क्या, जब मैं इसको हिलाता हूँ तो देखो वो टेक्स्ट वहीं लिखा रह जाता है, ठीक है, बट हमारे को चाहिए उसके साथ चिपका हुआ। तो जब भी टेक्स्ट लिखना है तो ये देख लेना है ब्लिंक क्या हो रहा है, जो व्यू ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है तभी क्लिक करना है। 2 सेम 8 mm, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, जब मैं इसको हिलाऊंगा तो वो टेक्स्ट भी साथ में मूव करेगा, बस समझ में, ठीक है। हम चाहे तो बाद में टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट लिखते हुए ध्यान देना है कि ब्लिंक क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब वापस अपनी शीट में आ जाते हैं। अब हमारे को ये पता लग गया कि ये दोनों तो सेम, ठीक है। अब ये तो हमारे पास स्क्रू है, इसको ओपन कर लेते हैं। स्क्रू हो गए, रिबटे हो गई, वाशर हो गई, इनको कभी भी सेक्शन व्यू में नहीं दिखाते, ठीक है ना, स्टैंडर्ड साइज होते हैं इनके। तो अभी मुझे इस बात से ध्यान ये आया कि जब हम इसकी शीट बना रहे थे तो हमने इसमें ये नहीं लिखा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ का मतलब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ देनी है, ठीक है नहीं। और वापस आ जाते हैं, अपनी हमने वो खोल रखा है ना, उसका नाम जरूर पता होना चाहिए जिसको हमने खोला, तो उसका नाम यहाँ से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर है। वापस अपनी शीट में आएंगे, शीट नंबर 2 पे, अभी हमारे पास बहुत जगह खाली है तो हम यहीं पे ले आएंगे, यहाँ पे गए 6 नंबर को ओपन कर। बेसिकली हमारे को सारे कंपोनेंट्स की ड्राइंग चाहिए, ठीक है। अब व्यू कौन सा चाहिए, मैं कहा ये टॉप व्यू चाहिए,
यहाँ रख लो, साइड व्यू चाहिए, प्रोजेक्शन भी अपने आप ऑन हो जाता है, मेरे को दोबारा दोबारा कमांड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया स्मार्ट डायमेंशन, लेके इसकी डायमेंशन इसकी टोटल लेंथ बता दो। ठीक है, वैसे इतनी डायमेंशन की जरूरत नहीं होती, बट हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। थ्रेड की लेंथ भी बता दो, फॉल तक कर लो। ठीक है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी ले लेते हैं। अब जैसे ये टेढ़ा सा आ गया हमारे को, ये देखने में सही नहीं लग रहा, इसको सिलेक्ट करो, शेड चेंज करो, और यहाँ पे ऑप्शन होती है 3D ड्राइंग व्यू, इसको सिलेक्ट करके 3D ड्राइंग व्यू और रोटेट कर लो। ओके, ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है तो इसका स्केल छोटा कर लो। ठीक है, तीसरी चीज अब हमारे को क्या चाहिए, विंडो में गए, शीट में गए, यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है बाहर वाली साइड, इसका नाम क्या है, 2N। ठीक है, वापस अपनी शीट में आ जाएंगे, तो हम एक ही कंपोनेंट के अंदर सारी शीटों को लेके आ रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स, टॉप व्यू ले आते और साइड व्यू ले आते। अब मुझे इसके साइड व्यू की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं इसका सेक्शन व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ व्यू लेआउट में जाएंगे, सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू में हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, और हमने सबका साइड वाला व्यू दिया है तो हम इसको वर्टिकली कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, जस्ट ओके करो, तो इसका सेक्शन व्यू आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारे को ये नज़र आने लग गया कि होल जो है आर पार है, तो अब इसकी भी डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देने की बजाय इस डायमीटर को हम होल में ही देते हैं टॉप व्यू में। अब जैसे रेडियस आ गया तो लैडर में जाओ और इसको डायमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, बाहर वाला डायमीटर भी दे दो। जैसे हम सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये चारों साइड पूछते हैं किस साइड चाहिए, इसको भी डायमीटर में। जब भी गोल सर्कल पूरा हो तो उसको हमेशा डायमीटर देना, और अगर सर्कल को ट्रिम किया हुआ हो तो उसको रेडियस देना, इसको अंदर वाली डायमेंशन यहाँ दे। उसको देखो समझ में आती है कि ये डायमीटर है, इसकी टोटल लेंथ दे दे और ये छोटी डायमेंशन। कोशिश करनी है हमेशा बेस लाइन डायमेंशन देने की, एक लाइन को बेस मान के उससे डायमेंशन सारी दो। बहुत नजदीक नजदीक लग रही है, इसको थोड़ा सा खुला कर देते हैं। क्या इन दोनों के बीच में कम से कम 30 mm की का डिस्टेंस होना चाहिए डायमेंशनों के बाद। ठीक है, फिर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। आइसोमेट्रिक व्यू रख लेते हैं, शेड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये शेड भी हमारी अपनी मर्जी है, रखना चाहते हैं कि नहीं। इस फाइल को सेव जरूर कर लेना है साथ साथ।
ठीक है, फिर से अपन अपनी वापस असेंबली में आ जाते हैं। देखो ये अंदर वाली साइड भी एक बुश लगा हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसका नाम भी देखो ध्यान से 2NE है, ठीक है, यानी बार बार हमारे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम लगा हुआ है। तो असेंबली में अब किधर वाले को खोल के देखते हैं, तो इसका नाम भी UN2NE, ठीक है। तो यानी ये सेम बुश दो दो लगे हुए हैं, अंदर वाली साइड भी सेम लगा हुआ है और बाहर वाली साइड भी सेम लगा हुआ है। तो ये नट एक लगा हुआ है, इसको भी खोल के ले खोल लेते हैं। ठीक हो गया, वापस अपनी शीट पे आ जाते हैं। यहाँ से देन रिफ्रेश, रिफ्रेश करेंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद टॉप व्यू ले आओ। अब जैसे ये जो लाइन आ रही है, एक डॉटेड लाइन दिखी, इससे क्या हुआ, ये दोनों अलाइन हो गई। अब मैं अगर इस व्यू को या बेस व्यू को हिलाऊंगा तो वो व्यू भी हिलता है आप साथ में, तो ये चीज़ हमारे को नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करके राइट क्लिक, अलाइनमेंट, ब्रेक अलाइनमेंट, तो उससे क्या हुआ, ये अपना अलग से हिलने लग जाएगा। ठीक है, हम इसकी सीध में ले आते हैं, इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं। ठीक है, इसके सीध में ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद प्रोजेक्शन व्यू, व्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा नज़दीक कर दे, इसको भी इधर ले जाओ। मतलब हमारे को प्लेसमेंट भी देखनी है कि हमारा जो है कंपोनेंट जो है देखने में सही लग भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग ही बनाना हमारा मकसद है, हमारी जो ड्राइंग है वो देखने में भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेज हमारा खाली ही पड़ा, और ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे को, अब देखो हमारे पास कितनी जगह बच गई, ठीक है, और देखने में भी ऐसे नहीं लग रहा कि ठीक है प्रॉपरली इस हिसाब से बनाना है कि वो देखने में सही लगे। इसको तो मोटी मोटी डायमेंशन दे देते हैं, वैसे तो नट की स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखनी चाहिए, ठीक है। रेडियस आ रहा है तो इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर दो, और इसकी टोटल डायमेंशन दे देते हैं। जूम कर लेना अगर ना नजर आए तो, ये डायमेंशन नहीं चाहिए। ठीक हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू भी रखते हैं साथ में। शेड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और केड़ा कंपोनेंट रह गया, और हमारा रह गया, इसमें कोई वाशर तो लगी नहीं हुई है,
इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है 7 नंबर। शीट में आएंगे यहाँ से 7 नंबर, सेम ही प्रोसेस है सारी चीजों के लिए। डायमीटर दे दो, लेटर डायमीटर, सिलेक्ट करो। थिकनेस दे दो, आइसोमेट्रिक व्यू भी रख लो, शेड चेंज कर सकते, वापस विंडो में आ जाओ और हमारी रह गई ये वाली प्लेट। हमने सारी जो कंपोनेंट हैं उनकी ड्राइंग जो है एक के अंदर ही ले, इसको खोल के रिफ्रेश कर लो। जो भी हमने व्यू लिया होगा ना उसके ऊपर टिक लग जाएगा ग्रीन कलर का। इसका टॉप भी लिया, जैसे वो अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक, अलाइनमेंट, ब्रेकअप, इसको भी उठा के इधर रख लेते हैं, मैं बस जगह नहीं ना, इसकी अलाइनमेंट तोड़नी पड़ेगी। ठीक हो गया, आपस में गैप भी बराबर ही होना चाहिए। प्रोजेक्शन व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर, थिकनेस देनी, जो जो डायमेंशन रिक्वायर्ड हो। अच्छा, एक और चीज़ बढ़िया दिखाता हूँ। अब जैसे ये 4 होल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लिख सकते हैं 4 होल। तो इससे फायदा क्या हो गया कि हमारे को पता लग गया 4 होल हैं सेम, बट हमने डायमीटर तो दिया नहीं। तो इसको नोट में लिखने की बजाय एक तरीका और सिखाता हूँ, डायमेंशन ही दे दो। डायमेंशन जब हम देंगे
तो ऐसे रेडियस आ रहा है, रेडियस को कर दो डायमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डायमेंशन पे क्लिक करूँगा मैं वैल्यू में, यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं, या पहले लिख लेते हैं ना, पहले लिख लेते हैं फोर होल्स, ठीक है। यानी हम जो उस टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको नहीं छेड़ना हमने, उससे आगे लिख लेंगे तो उससे आगे लिखा जाएगा, पीछे लिख लेंगे तो पीछे लिखा जाएगा। रेडियस, क्योंकि ये इंपोर्ट किया हुआ पार्ट है ना, इसलिए वो रेडियस दिखाता है बार बार। सर्कल जो है टुकड़ों में डिवाइड हुआ हुआ है दो, अगर हमारे पूरा सर्कल लगाया होता तो पूरा डायमीटर ही आना था, तो हमारे को बार बार चेंज करना पड़ता है, कोई बात नहीं। दोनों सर्कलों को सिलेक्ट किया, दोनों सर्कलों को सिलेक्ट किया, ठीक है। इसकी पूरी डायमेंशन हम नहीं देते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना है तो यहाँ से बहुत बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से स्केल छोटा कर सकते, शेड चेंज कर सकते। ठीक, तो ये हमारी सारे कंपोनेंट्स की ड्राइंग बन, ठीक है। एक जो मेन पार्ट है वो लेजर कटिंग होना है, उसका हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये बनने के बाद यहाँ पे है जूम फिट, चाहे हमने छोटा किया हो या बड़ा किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये जूम फिट करेंगे तो स्क्रीन में फिट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना है, तो एडिट शीट फॉर्मेट करके इसको डिलीट कर देते हैं, जो ड्राइंग नंबर आ रहा है थोड़ा जूम कर लेना है, और इसका नाम चेंज, जो भी हम नाम देना चाहते हैं, ठीक है, नाम दे दो, टाइटल जो देना है वो टाइटल दे देंगे, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, मटेरियल कौन सा है, ठीक है, फिनिशिंग मटेरियल है का पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टी देनी पड़ती थी, है ना। अगर हमने प्रॉपर्टी दी होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मटेरियल लिखा हुआ आ जाएगा और वेट भी लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बट इसमें हम नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, तो इसको रहने देते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये सारे पार्ट आ गए, जूम फिट करो, फाइल सेव एज पीडीएफ कर दो, ये है वाई एस 1007 से, ठीक है। तो दोनों शीटों को कन्वर्ट करना है, हमने कहा जी ओके, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो वो जो हमारी है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट भी हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पाथ ज़रूर ध्यान रखना है, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं शुरू शुरू में कि पाथ नोट करते ही नहीं, तो इसको कॉपी कर लो, कंप्यूटर में जाके पेस्ट कर सकते। अगर एक बार ओपन कर लिया हमने तो यहाँ पे क्विक एक्सेस में पेस्ट कर, तो यहाँ पे हमारे को पीडीएफ फाइल बनी हुई है, इसको राइट क्लिक ओपन विद अडोब रीडर, ये हमारी फाइल, ठीक है। जितने भी व्यू हमने बनाए हैं वो सब यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। शीट टू पे क्लिक कर देंगे तो शीट टू आ जाएगी, शीट वन पे क्लिक कर देंगे तो शीट वन, ठीक है। तो ये थी हमारा कि हमने डिटेल ड्राइंग कैसे बनी है।
ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम बनाएंगे जिसमें बनाएंगे सेक्शन व्यू कैसे निकालना है, डिटेल व्यू कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।